स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। पहले हम करेंगे जी देसी एलसीएम, ये सीख लें क्या होता है। नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर चली जाएगी, ये वाली उधर चली जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट्स लगा देनी है। देसी एलसीएम के तीन स्टेप, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली उधर, इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे एक्स माइनस 3, ये ब्रैकेट खोली तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, और इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, और इसको रफ में मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, दो रकमें बिल्कुल एक जैसी हो ना, अगर अगर आप गौर करो ना तो ये एक जैसी हैं। तो ये एक तरह से एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। इस पे यही फार्मूला मैं लगाऊंगा, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स की 2, एक्स को 3 से करेंगे 3x, फिर 3 को एक्स से करेंगे फिर 3x, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, ये इससे काटेंगे फिर वही बचेगा। तो ये इधर आके 7 ज़रा भी मैंने कर दिया तो ये आगे एक्स स्केयर माइनस 9, ठीक है। तो अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स से काट गया, माइनस 3 और माइनस 3 अलामतें एक जैसी हों तो जमा कर लेंगे, माइनस 3 और माइनस 3 हो गया माइनस 6, इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें 3x का स्केयर 3 9 27, इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, इक्वल टू 0 आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये उधर गई है, बाद में 0 को दूसरी तरफ वापस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3x का स्केयर, 27 में से 6 निकाल दें क्योंकि दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो ये आ जाएगा 21, तो 0 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर माइनस 3 7 21 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 7, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस 7 इक्वल टू, ऊपर 0 हो तो वो रकम 0 हो जाती है। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देसी एलसीएम किया, ठीक है, ये रकम दोनों नीचे, ये उधर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये उधर चली गई, और इस पे मैंने फार्मूला लगा दिया, या आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक्स एक्स से कैंसिल, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर 3 9 27, ये इधर आके प्लस होगी, इधर 0 रह गया, ये दोनों कांस्टेंट है, लामते मुतलिफ हैं, 27 में से 6 गए तो 21 आ गया, और इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम फार्मूला देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर और ये वाली उधर, तो ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस है, अलामत चेंज हो जाएगी, और इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें, एक्स एक्स से कैंसिल, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, इस पे फार्मूला तो लगा दें वही वाला अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का, इस 4 को मैं इधर आके डिवाइड कर देता हूँ, बाकी ये बचेगा एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर क्या होता है 16, 4 2 8 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 16, एक्स स्केयर माइनस 16, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2,
इधर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। एक्स केयर 16 में से 2 गए तो 14, इस 0 को बाद में इधर शिफ्ट कर दें। तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अगर आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, कोई और है, तो उस तरह भी कैसे कर सकते हैं उसके लिए फिर पता क्या है। लेकिन ठीक है, अगर आपकी बुक में कोई और आंसर है वो फिर उसमें कॉमन शायद ना लें या एमसीक्यूज कटिंग ना की हो, लेकिन ये कॉमन आता है तो यही आपका गुड वाला अच्छे वाला आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट है तो इसको भी हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इस एक्स के साथ ही हम चलें, ये एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12x इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये आएगा 12 × 3 = 36 एक्स का क्यूब माइनस 12x, ये 11 इधर ले आए, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना ही कोई और है। तो फिर क्या है, अगर मैं शायद बाय मिस्टेक एक्स लग गया, अगर यहाँ 12 हो तो फिर काम चल सकता है, 12 को इधर लेके आएंगे। बारह 3 = 36 एक्स का स्केयर 12 × 11 = 11 इधर आएगा तो -11 इक्वल टू 0, 36 एक्स का स्केयर तो ये आ जाएगा 23। ये थोड़ा बहुत सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि स्केयर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर उस तरह करें तो ये आएगा, और अगर यहाँ पर एक्स ना लगाया जाए तो फिर कुछ इस तरह का काम बन जाएगा। एक और ऑप्शन हो सकती है कि जो एक्स है वो ऊपर लगा दिया जाए 11 के साथ, फिर भी ठीक है ऐसे। अब 12 इधर लाएं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, 12 × 3 = 36 एक्स का स्केयर 12 × 11। अब इसको लाओगे इधर तो -11x इक्वल टू 0, तरतीब लगा लो 36x का स्केयर -11x - 12 इक्वल टू 0। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।